हम ख्वाबों को बयान करने के कायल नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का ख्वाब बयान जरूर करेंगे, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम का ख्वाब जो है वो तो वही इलाही है। बुखारी मुस्लिम दोनों की मुत्तफ़क़ उल हदीस है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, और शुरू में नबी अलैहिस्सलाम को अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे जिसके ज़रिए आप पे वही नाज़िल होती थी। ये बात याद रखें कि नबी का ख्वाब जो है वो वही होता है, नबी के ख्वाब में शैतान को दखल नहीं होता। हत्ता कि आप देखते हैं सूरह अस्साफ़ात में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में इशारा हुआ था, उन्होंने क्या कहा कि मैं देखता हूं क्या बेटे मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। अब एक इंसान को कत्ल करना तो बहुत बड़ा जुर्म है, और जब नबी ये ख्वाब में देख रहा है तो उसने उसको शैतानी ख्वाब नहीं समझा, वो समझ गया कि ये तो मेरा ख्वाब है, ये रहमानी ख्वाब है और अल्लाह ने मुझसे डिमांड की है। वो लादा बात है कि जब वो बिल्कुल छुरी लेके पहुंचे तो अल्लाह तआला ने फरमाया कि बस यहीं तक लेके आना था तुझे, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है, उसकी जगह मेंढा अल्लाह ने नाजिल कर दिया। इतना बड़ी एग्जीक्यूशन उन्होंने कर दी है, सबसे बड़ी एग्जीक्यूशन ख्वाब की बुनियाद पर यह हो सकती है ना कि कोई बंदा मार दो, इस तो वड्डी कोई हो सकती है, क्योंकि कुरान तो कह रहा है जिसने एक इंसान को नाक कतल किया पूरी इंसानियत को कतल किया। ये नबी में कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि उसको पता है कि मुझे वही इलाही सही बताया जा रहा है। कुरान भी इस बात का सबूत देता है कि नबियों की वही में शैतान को दखल नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम को भी कई चीजें ख्वाब में दिखाई जाती थी, कई लोगों का अजाब दिखाया जाता था। ये आपको किताबुत ताबीर चैप्टर पूरा मिलेगा इसके अंदर सही बुखारी में, तकरीबन 60 अहदीस ख्वाबों पर मिलेंगी, और तकरीबन आपको 90 के करीब अहदीस किताबुर रुया चैप्टर सही मुस्लिम का उसमें मिलेंगी, और आपको मिश्कात में भी ये दूसरी जिल्द में आपको एंड पे जाके ना चैप्टर आता है ख्वाबों वाला, उसमें आपको ये वाली हदीस मिल जाएगी। हाँ ये देखे ना किताबुर रुया नाम रखा है इन्होंने, इसमें आपको ना पहली फसल में भी आपको ये हदीस मिलेगी, दूसरी फसल में भी है। हाँ जी ये हदीस भी वर्ड बाई वर्ड मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ताकि ये सही बुखारी में हदीस है 7048 और मिश्कात के अंदर जो मेरे हाथों में 4621 है बुखारी के रेफरेंस से। सैयदना समूरा बिन जुद्दुब रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख अनवर हमारी तरफ कर लेते और फरमाते आज रात तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। रावी कहते हैं कि अगर किसी ने ख्वाब देखा होता तो वो आप अलैहिस्सलाम से बयान करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह चाहता उसकी ताबीर बयान फरमा देते। नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब की ताबीर बयान की हुई तो ऑथेंटिक है, बाकी तो अंदाजे ही है ना। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हमसे पूछा क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है, हमने अर्ज किया नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन मैंने आज रात एक ख्वाब देखा। तो आप अलैहिस्सलाम यानी फजर के बाद सहाबा की तरफ मुतवज्जे होकर उनके ख्वाब सुना करते थे फिर ताबीर बयान किया करते थे। यानी एक दिन किसी ने ख्वाब नहीं देखा, वो जाहिर है वो फिर अल्लाह ने ही वो मामला किया कि किसी को भी ख्वाब नजर नहीं आया, क्योंकि उस दिन अपने नबी को ख्वाब दिखाना था ना, तो बाकी के ख्वाब गायब। जाहिर है ये अल्लाह की तरफ से प्लान हो रहा होता है ना, जब नबी दुनिया में मौजूद होता है ना उस वक्त बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाकयात हो रहे होते हैं, क्योंकि उम्मत को दीन सिखाया जा रहा होता है। सर ये ख्वाब आप सुने और अपने आप को सामने रख के देखें, इस ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को उनकी उम्मत के गुनाहों के अज़ाबात दिखाए गए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मैंने दो आदमी देखे, अब ये आदमी कौन थे, कोई फरिश्ते थे, तो एंड पे पता चलेगा ये कौन थे, अभी आप सिर्फ इसका सस्पेंस रखें। आपने भी सस्पेंस रखा है, आप और मैंने दो आदमी देखे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे हाथों से पकड़ा और मुझे एक मुकद्दस सरजमीन की तरफ ले गए। वहां एक आदमी बैठा हुआ था और एक खड़ा हुआ था, उसके हाथ में लोहे का एक टुकड़ा था, वो उसको दूसरे आदमी के जबड़े में दाखिल करता और उसको उसकी गुद्दी तक चीर देता, यानी यूं डाल के ना ऐसे, ये गुद्दी ये कहते हैं, यानी ये है ना ये पूरा जबड़ा चीरता हुआ पीछे तक, फिर इसी तरीके से दूसरे जबड़े के साथ ऐसा करता और इतने में पहला जबड़ा ठीक हो चुका होता। अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी अज़ाब मुसलसल।
वो करके हटाया तो वो वापस आ गया, फिर दोबारा से तकलीफ शुरू। सर ये एक दफा नहीं बर्दाश्त हो सकती। फिर वो इस अमल को दोहराता था, तो मैंने उन आदमियों से पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन दोनों ने मुझसे कहा आप आगे चलिए। तो मैंने उनके साथ आगे चलना शुरू कर दिया। फिर हम एक आदमी के पास आए जो जमीन पे चित लेटा हुआ था, और एक आदमी एक बड़ा सा पत्थर लेके उसके सरहाने खड़ा था और वो उसके साथ उसके सर को कुचल रहा था। जब वो उसे मारता था तो पत्थर लुढ़क जाता, वो उसे लेने के लिए जाता लेकिन उसके वापस आने तक उसका सर फिर बिल्कुल ठीक हो जाता। तौबा तौबा तौबा, इतना भारी पत्थर का अजाब उस शख्स के ऊपर कि उसका सर जो है वो चपटा हो रहा है और फिर वो पत्थर लुढ़क के दूर चला जा रहा है, और वो उठाने के लिए वो पत्थर जा रहा है, वापस आता है तो दोबारा सर वापस आ जाता है, फिर उस तकलीफ से गुजरना है। सर आप तो एक दफा सर के अंदर बर्दाश्त नहीं हम लोग कर सकते। अल्लाह ताला हमें इन अजाबात से महफूज फरमाए। जब वो उसे मारता था तो पत्थर लुढ़क जाता, वो उसे लेने के लिए जाता लेकिन वापस आता तो फिर उसका सर ठीक हो जाता, वो आदमी उसके साथ फिर वही करना शुरू कर देता और ये अमल मुसलसल जारी रहता। मैंने कहा यह क्या है, तो उन दोनों ने कहा या रसूलल्लाह आगे चलिए। हम और आगे चले, हत्ता कि हम तंदूर जैसे सुराख के पास आए जिसके ऊपर का हिस्सा तंग था जबकि इसका निचला हिस्सा खुला था। उसके नीचे आग जल रही थी, जब वो ऊपर उठती तो उसमें मौजूद अफराद भी ऊपर बुलंद होते। कोई तंदूर था जो अंदर से बहुत बड़ा था, तो उसमें आग के ऊपर कुछ लोगों को तला जा रहा था, जब वो आग बाहर निकलती ना तो वो बंदे भी बाहर यूं निकलते फिर वो अंदर चले जाते। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिन अन्नार। सर ये बुखारी शरीफ है, ये बुजुर्ग शरीफ या कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ है। इसके नीचे आग जल रही थी, जब वो ऊपर उठती तो उसमें मौजूद अफराद को भी ऊपर बुलंद करती, हत्ता कि ऐसा लगता कि वो इससे निकल जाएंगे, और जब वो नीचे बैठने लगती तो वो वापस चले जाते। और मैंने उस तंदूर में चंद मर्दों और औरतों को नंगी हालत में अजाब में मुब्तला देखा जिनके कपड़े नहीं थे। मैंने कहा ये कौन लोग हैं, उन दोनों ने कहा या रसूलल्लाह आगे चले। हम फिर चले, हत्ता कि हम खून की एक नहर के पास पहुंचे, वहां नहर के सामने पत्थर है। वो शख्स जो नहर में है, जब वो बाहर निकलने का इरादा करता तो बाहर किनारे पर खड़ा आदमी उसके मुंह पर पत्थर फेंकता, इससे वो फिर पहली जगह पर वापस पहुंच जाता। यानी वो जो खून की नहर में अजाब हो रहा था ना उस बंदे को, वो जब उससे निकलने की कोशिश करता तो एक बाहर बंदे की ड्यूटी लगी हुई थी, वो उसको पत्थर मारता, उसके मुंह पर लगता, फिर वो वहां जाके गिरता, फिर वो किनारे से दूर हो जाता। वो जब भी निकलने लगता लगता उसके मुंह पर पत्थर मार दिया जाता, फिर वो वापस चला जाता। मैंने कहा यह क्या है, तो उन दोनों ने कहा या रसूलल्लाह आगे चलिए। हम आगे चले, हत्ता कि हम सरसब शदाब बाग में पहुंच गए। उसमें एक बड़ा सा दरख्त था और उसके तने के पास एक उम्र रसीदा शख्स और कुछ बच्चे थे, और दरख्त के करीब एक आदमी था, उसके आगे आगे उसके आगे आग थी जिसे वो जला रहा था। वो मुझे दरख्त पर ले गए, उन्होंने मुझे दरख्त के वस्त में एक घर में दाखिल किया। मैंने इससे खूबसूरत घर कभी जिंदगी में नहीं देखा, इसमें बूढ़े मर्द नौजवान ख्वातीन और बच्चे सब थे। फिर वो मुझे वहाँ से बाहर लेकर आए और दरख्त पर ले चढ़े और मुझे इससे भी ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत घर दिखाया, इसमें भी बूढ़े और जवान थे। मैंने इन दोनों से कहा तुम रात भर मुझे लिए लिए फिर रहे हो, मुझे ये तो बताओ जो कुछ मैंने देखा है वो क्या था। उन्होंने अर्ज़ किया जी हाँ अब हम आपको बताते हैं। यानी वो सारे मंजर दिखा के ना नबी इस्लाम फरमाया कि भाई इतना कुछ मुझे दिखाया, मुझे बताओ तो सही ये क्या कुछ था। तो उन्होंने कहा अब हम आपको बताते हैं या रसूलल्लाह, रहा वो शख्स जिसको आपने शुरू में देखा था कि उसके जबड़े को चीरा जा रहा था, तो वो शख्स वो था जो दुनिया में झूठ बोला करता था और फिर वो झूठ आगे नकल किया जाता था हत्ता कि वो आफाक तक पहुंच जाता था। कि जो कुछ आजकल हमारे सियासतदान कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आके दूसरे पॉलिटिकल लीडर को डिफेम करने के लिए झूठ बोल देते हैं, इसी तरीके से उलमा भी करते हैं किसी को बदनाम करने के लिए उसके ऊपर झूठे। यानी मैं तो इससे यानी सफर कर रहा हूं, मेरे ऊपर क्लिप चढ़ाए हुए इंजीनियर मौलवी मिर्जा का दावा है नबूवत, नाउज बिल्ला। हम अंदाजा करें यानी ये वो लोग क्लिप चढ़ा रहे हैं जिनके बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं, एक गरीब उतु बदतमीज, और जो उनको नंगा कर रहा है उसको कह रहे हैं दावा नबूवत। तो ये इनका हिसाब है, यानी ये उलमा का हिसाब है। तो ये सबसे झूठ कौन बोल रहा है, झूठा दीन कौन बयान कर रहा है। इसलिए बुखारी मुस्लिम हदीस है जिसने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की अपना मकाम दोजख में देख ले, और सिर्फ दोजख के फेरा नहीं लगना, ए अजाब होना है कि ये जबड़ा चीर के इधर और ये वाला इधर। अच्छा पहला अजाब बता दिया। या रसूलल्लाह आपने उसके बाद जो मंजर देखा
वो क्यामत तक उसके साथ किया जाएगा, यानी वो जबड़े क्यामत तक, यानी इससे ये भी पता चल गया कि आलम बरज़ख और कब्र का अजाब भी बरहक है, क्यामत तक किया जाएगा ये अजाब, अभी क्यामत कायम नहीं हुई। वो आदमी जो आपने देखा कि उसका सर कुचला जा रहा था, यानी वो भारी सा पत्थर था उसके सर पर डाला जाता है, सर ये मुसलमानों की अक्सरियत है, ये वो शख्स था जिसने कुरान का इल्म सीखा लेकिन उसकी ना तो रातें कुरान के मुताबिक थी ना दिन के अमाल कुरान के मुताबिक थे, पूरे का पूरा दिन ही कवर हो गया। और ये तो उसके लिए है जिसने कुरान सीखा, और जिसने कुरान को सीरियस लेके सीखा भी नहीं है, ये तो वही है ना कि माँ बाप को उफ तक मत कहो, और जो गालियां देता है माँ बाप को उसका कोई सोच सकता है। और इसमें भी जाहिर है कि ये कुरान का इल्म सीख के ना दिन के मुताबिक अमल ना रात के मुताबिक, तो इसमें भी अवलीन मुखातिब वो उलमा है जो डिग्रियों वाले दावा करते हैं हमने दीन का इल्म हासिल किया है, खुद अमल नहीं करते, वो भी शामिल है। या रसूलल्लाह उनके साथ भी ये सुलूक क़यामत तक जारी रहेगा। आपने जो सुराग में देखा कि वो नंगी औरतें और मर्द अजाब में मुबतला थे, वो थे जो दुनिया में जिना किया करते थे, जानियों की सजा, बोले आज़ुबिल्लाह। फिर आपने जिस नहर में देखा कि वो शख्स डुबकियां खा रहा था खून की नहर में, वो सूद खोर था, अस्तग़फ़ुर। फिर आपने दरख्त के तने के साथ जिस बुजुर्ग को देखा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और इनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे वो लोगों की औलाद थी, जो शख्स आग जला रहा था वो जहन्नुम का दारोगा यानी सैयदना मालिक अलैहिस्सलाम थे। और फिर जिस पहले घर में आप दाखिल हुए वो आम मोमिनीन का घर था, रहा ये घर तो ये शोहदा का घर है, और मैं जिब्राइल हूं और ये मिकाइल। वो दो बंदे कौन थे? जिब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएं, जब मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर बादलों की मानिंद था, उन दोनों ने कहा ये आपकी मंजिल है, यानी वो एक महल दिखाया गया, मैंने कहा मुझे छोड़ दो मैं अपनी मंजिल में दाखिल हो जाऊं, तो उन्होंने कहा अभी आपकी दुनिया में उम्र बाकी है जो आपने मुकम्मल नहीं की, जब आप वो दुनिया में अपनी जिंदगी मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आप अपनी इसी जन्नत की मंजिल में दाखिल हो जाएंगे। इस हदीस का जिक्र मैंने हयातुन नबी वाले मसना 5 में भी किया था, नबी इस्लाम के जन्नत में जो महल है। तो ये वो तवील हदीस है जी, और रिकत अंगेज है, और सिर्फ ये सुन के फेंकने वाली चीज़ नहीं है बल्कि अपनी इसलाह करने की भी ज़रूरत है। اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين ثم آمين.